एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल है ब्लू वाले क्वेश्चन है, एग्जाम्पल तो नहीं है। वो कह रहा है स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे से एक थ्रोन जो स्टोन है उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। जब ये नीचे से निकलेगा आपके हाथ से जब छूटेगा ना तो इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, जीरो थोड़ी ना होगी, जीरो तब तो यहीं गिर जाता, लेकिन ऊपर जाते 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 इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ये दिया नहीं है, खुद से पता है, समझ में आ रही बात या नहीं। इसके बाद वो कह रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 meter per second, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 meter per second। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 meter per second। अब देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करेंगे विच इज 5 meter per second। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करेंगे विच इज जीरो। यहां पर एक्सेलरेशन कितना है कोई बता सकता है मुझे? हाँ, 10 meter per second square। बस यहीं बेटा आप गलती कर दोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना वो -10 meter per second square है। बात आ रही है क्यों, क्योंकि यहां पर हो रही है बेटा रिटार्डेशन। क्या हो रही है, कैसे पता चला भाई? जब हाथ से निकलेगी बॉल तो बहुत स्पीड होगी, ऊपर स्पीड कम होती चली जा रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, होती चली जा रही है, फिर ये रुक जाएगा जाकर, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज हो रही है इसलिए यहां पर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपने माइनस नहीं लगाया समझ लो बात खराब हो जाएगी, ठीक है? तो आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अच्छा, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 meter per second इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, भाई क्वेश्चन पढ़ना भी पूरा जरूरी होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल रहे तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है? पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, आई एम सो सॉरी, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो समझ जाइए फिर नेगेटिव होगा, है? ठीक है। अब व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर? अच्छा, जब नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहे, व्हाट विल बी द हाइट, हाइट पूछ रहे वो। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतनी है तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? -10। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन जो है ऊपर की तरफ पूछा गया। तो देखो वो कह रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर दिया हुआ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा? -10 meter per second square, ठीक है? ये चीज आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आ गई, अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस या फिर हाइट। क्या निकालनी है जी? हाइट। कंफ्यूजन तो नहीं होगी क्रिएट? क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमें यह देखना है कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर सूट करेगी। हमारे पास 4 equations ऑफ मोशन होती हैं। एक तो होता है v = u + at, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली इक्वेशन यूज नहीं होगी। फिर है s = ut + ½at² अब हमारे पास यहां पे टाइम नहीं है तो ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं होगी। फिर आ जाइए थर्ड वाले पे, थर्ड क्या कहता है भाई, v2as = v² - u² इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, हमें डिस्टेंस ही निकालना है या फिर हाइट। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as = v² - u² किसी बच्चे को कोई दिक्कत? 2a, a की वैल्यू कितनी है? -10। डिस्टेंस को s से डिनोट करो या h से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा,
v कितना है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 5 का स्क्वायर। कुछ बच्चे नेगेटिव का स्क्वायर समझ के इसको पॉजिटिव कर देते हैं। दो चीजें बेटा ध्यान रखना, एक होता है माइनस 5 का स्क्वायर, दूसरा होता है माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि यहां पे माइनस का भी स्क्वायर हो रहा है, यहां पर माइनस अलग है, स्क्वायर सिर्फ 5 का हो रहा है, तो यहां पर आंसर आएगा -25। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये छोटी छोटी सी चीजें जो हैं आपकी कैलकुलेशन गलत कर देती हैं, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे -20 और यहां पर आ जाएगा -25। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 25 / 20 आंसर कितना आ जाएगा, 12.5 आ रहा है ना, तो मतलब 1.25 आ जाएगा, 12.5, ठीक है। इतना डिस्टेंस कवर करेगी, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। सो डिस्टेंस या हाइट, उन्होंने क्या पूछा है, हाइट अटेंड बाय द स्टोन। तो यहां पर अपना आंसर हमेशा स्टेटमेंट के साथ ही खत्म किया करो, तो आप लिख देंगे यहां पर हाइट अटेंड कहां गया भाई, अटेंड बाय स्टोन इज कितनी है भाई, कितनी है ये, 1.25 मीटर। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम? तो ये इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको माइनस लगाना होगा। अगर कोई स्टोन ऊपर से नीचे ड्रॉप होगा तो आपको पता उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, जब वेलोसिटी बढ़ रही है उस केस में एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि नीचे से ऊपर थ्रो किया गया है तो वेलोसिटी विल डिक्रीज, इट मींस एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ठीक है, नोट कीजिए।